नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और इस वीडियो के आखिर में हम आपको दिखाएंगे बहुत से ऐसे मंत्री विधायक लोगों के बयान जिससे साफ पता चलता है कि वो मजदूरों के साथ कितना संवेदनशील है। दोस्तों मजदूरों पर हो रही राजनीति हमेशा ही तेजी और चूल पकड़ रही है। दोस्तों राहुल गांधी कुछ दिन पहले मजदूरों के साथ बातचीत करते नजर आए थे, जिसका कई वीडियो सोशल मीडिया पर और कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर कांग्रेस का ये कहना था कि वो मजदूरों के साथ संवेदनशील है, उनका दुख दर्द बांटने के लिए वो मजदूरों के साथ गई थी। लेकिन इसके ठीक उलट सत्ता पार्टी का ये कहना है कि इनको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, दरअसल ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए वहां गए थे। अब दोस्तों यहाँ समझना ये है कि किसी भी पार्टी के मंत्री विधायक नेता लोगों को रोक लगाई गई थी कि वो मजदूरों से ना मिल सके, ऐसा नहीं है, सारी पार्टियों को छूट थी। तो आपके मंत्री लोग जाकर क्यों मजदूरों से मिल नहीं लिए, क्यों राजनीतिक लाभ नहीं ले लिए? अब दोस्तों क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं को मजदूरों के साथ बातचीत करते देखा है? नहीं, दरअसल ये लोग मजदूरों से बातचीत करने खुद नहीं गए और अब जब दूसरे विपक्षी पार्टी के एक नेता जाके मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। निर्मला सीतारमण ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि मजदूरों की टाइम वेस्टिंग है, मजदूरों का समय बर्बाद किया जा रहा है। हर दिन मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूँ, ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? लेकिन मजदूरों की प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया पर आई है उसमें मजदूर ये कहते नजर आ रहे हैं कि चलो कोई तो हमारी बात सुन रहा है, हमें खुशी हुई कि हमारी बात किसी तक तो पहुंच रही है, कोई तो हमारी बात सुन रहा है, इस तरह की प्रतिक्रिया मजदूरों ने दी है। क्या नाम भैया आपका? हमारा महेश कुमार। कितने लोग हो आप? 14 आदमी, एक बच्चा है, 13 आदमी। कौन कौन आया था? कौन आया था अभी मिलने आपसे? राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी खुद मिलने आए थे? हाँ। क्या बात हुई आपसे? मजबूरी पूछ रहे थे कि कैसी कैसी मजबूरी है सर। हमने बताया कि भूखन प्यासन मर रहा है, काम कोई चल नहीं रहा है, आज 50 दिन हो गए बैठे बैठे और 4-5 दिन हुए घर से आए। कितना कमा लेगी 4-5 दिन में बंदा? कम से कम 1000-2000 का काम किया था तो उसमें वो खा लिए और भी चावल मावल बटते थे तो अपने चावल आवल खाते रहे। क्या बोला राहुल जी ने आपको? बोला था कि व्यवस्था कर देंगे भाई, तुम्हारी जितनी व्यवस्था बन जाएगी तो हम बना देंगे आपकी व्यवस्था, ज़्यादा नहीं बॉर्डर तक तो आपकी कुछ दूर तक और व्यवस्था बनवा देंगे। अच्छा लगा राहुल गांधी जी खुद मिलने आए थे आपसे? हाँ बहुत बढ़िया लगा हमको, गए कोई ना कोई ने सुनाई तो की। वैसे हम भी MP के हैं तो हमने भी अपना चुना नेता तो कांग्रेस को, और भगवान इनको भी कोई हाँ ऐसा समझ ले आए कि कांग्रेस ही आना चाहिए। और अभी राहुल गांधी जी आपको छुड़वाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी कि कोई ना कोई नेता ने सुनी तो है मजदूर आदमी की पुकार। ठीक है सर। तो कौन है आपके साथ, रो क्यों रही हैं? हमारा आदमी मर गया फोन का लेके। कहाँ है आपका आदमी? बगल नीचे रख ले। अच्छा हमारा के कोई सबूत ही मैडम जी, हमारे लिए आप लोग राहुल गांधी बहुत बढ़िया किया है कि उसका धन्यवाद है, उसका जिंदगी बना रहे कि हम लोग इस स्थिति में बेचारा अपना घर हमारे घर छोड़ दे। अब दोस्तों समझना ये है कि राहुल गांधी ने मजदूरों से ऐसी क्या बातचीत की है, तो आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। राम धंधे सर, कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, चुनाई प्लस्टर। चुनाई प्लस्टर। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है, मतलब सब एक साथ चल रहे हैं। हाँ, एक साथ चल रहे हैं। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चल, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। मदद करो, एसी का मदद करो, हम लोगों को मां मत लौटाना, हम आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की सहायता दी ताकि मजदूरों को उनके क्षेत्र, उनके इलाके में पहुंचाया जा सके। कांग्रेस का ये कहना था कि इससे मजदूरों को राहत पहुंचेगी,
जो पलायन हो रहा है, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल मजदूर चल रहे हैं भूखे प्यासे, उनको राहत पहुंचेगी। लेकिन इसके ठीक उलट पार्टी का ये कहना है, सत्ता पार्टी का, कि राजनीतिक लाभ के लिए ढोंग किया जा रहा है, इन लोगों को मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों समझना ये है कि अगर मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाने से राजनीतिक लाभ मिल सकता है तो आप ही क्यों नहीं ले लेते? आप उन सैकड़ों मजदूरों को क्यों अच्छे से अच्छा खाना और अच्छे से अच्छी बसों पर पहुंचाकर अच्छी से अच्छी सुविधा देकर राजनीतिक लाभ ले लेते? दोस्तों इतिहास गवाह है कि इतिहास में राजनीति से ही बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। दोस्तों अगर कोई पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए ही सही लेकिन मजदूरों को राहत पहुंचा रही है तो ये अच्छी राजनीति है। लेकिन इसके ठीक उलट आप कुछ ना करें, सिर्फ बयान दें, भाषण दें, तो ये कौन सी राजनीति है? दोस्तों दरअसल राजनीति दो तरीके की होती है, एक अच्छी और एक गंदी। आप समझ रहे होंगे कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ बयान ही देते नजर आती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मंत्री लोगों की जिनके बयानों से ये साफ पता चल जाएगा कि वो मजदूरों के साथ कितना संवेदनशील है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ सुधीर चौधरी की जी न्यूज के। दोस्तों ये वही महानुभाव हैं जिन्होंने कहा था कि मजदूरों के पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं है लेकिन दारू खरीदने का है। इन्होंने अपने डिबेट में क्या कहा है वो जान लेते हैं। इनके साथ डिबेट में स्मृति रानी थी, उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम गरीबों पर नाम के नाम पर हो रहे पर्यटन, जिसे आप अंग्रेजी में पॉवर्टी टूरिज्म कहते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। गरीबों के नाम पर, प्रवासी श्रमिकों के नाम पर नेताओं को वोट, बुद्धिजीवियों को एजेंडा और न्यूज चैनल्स को टीआरपी मिलती है। गरीबों के नाम पर, प्रवासी श्रमिकों के नाम पर नेताओं को वोट, बुद्धिजीवियों को एजेंडा और न्यूज चैनल्स को टीआरपी मिलती है। अब आगे उदय भान सिंह की बात भी कर लेते हैं। ये महाशय ये बता रहे हैं कि मजदूर दरअसल चोर डकैत की तरह भाग रहे हैं। इन्होंने मजदूरों की तुलना चोर डकैत से कर कितनी संवेदनशीलता दिखाई है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें महाशय क्या कहते नजर आ रहे हैं। भुगत रहे हैं, रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रोक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रोक रहे हैं। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। दोस्तों एक और साहब की बात करते हैं, प्रतापगढ़ के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता। इन्होंने कहा कि दरअसल जो प्रवासी मजदूर हैं वो बहुत समय पहले ही अपने राज्य लौट गए हैं। अब जब ये लोग जो वापस जा रहे हैं ये कोई मजदूर प्रवासी मजदूर नहीं है बल्कि ये वो लोग हैं जो गर्मी की छुट्टी में घूमने निकले हैं। तो दोस्तों इस तरह के बयान से आप क्या सोच रहे हैं कि ये लोग मजदूरों के साथ संवेदनशील हैं? मजदूरों के साथ अगर ये लोग संवेदनशील होते तो कम से कम ऐसे बयान तो नहीं देते। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के बयान देना और इस तरह के काम जो सरकार द्वारा किया जा रहा है वो कौन सी राजनीति में आता है। आगे आप वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं वो प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो जैसा भी लगा हो वो जरूर लिख के बताएं, अच्छा लगा हो और बहुत यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर करें। अपना ख्याल जरूर रखें और अपनी आंखें खुली रखें और दिमाग की बत्ती जला कर रखें, क्योंकि ये जो राजनीतिक दांवपेच खेला जा रहा है ऐसे समय में आम नागरिक को आंखें खुली और दिमाग की बत्ती जला कर रखनी होगी, क्योंकि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सत्ता की दलाल बन चुकी है और हमारे और आपको एजेंडा सेटिंग के तहत झूठी दिखा रही है। अपना ख्याल रखें। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।